दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन के लिए एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। यदि हमारे सब शरीर में जो वेसल्स हैं वो नॉर्मल हैं, उनमें एक सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है वो अच्छी हेल्थ में रहती हैं, टिश्यू अच्छी हेल्थ में रहते हैं। तो दोस्तों, आइए अल्सर के इसी क्रम में आज हम आर्टेरियल अल्सर की बात करते हैं, अर्थात वो अल्सर जो शरीर में आर्टरीज में किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो कारण होगा वो ये होगा कि जो नॉर्मल आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, आगे ब्लड की सप्लाई जाएगी नहीं। ब्लड की सप्लाई कम होगी तो निश्चित रूप से वहां पे न्यूट्रिशन कम जाएगा और ऐसे अल्सर डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं जब तक कि वहां पे सप्लाई को मेंटेन न किया जाए। तो दोस्तों, आर्टेरियल अल्सर को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है उसकी महत्ता क्या होती है। देखिए, हार्ट से आर्टरी के द्वारा जो ब्लड शरीर में जाता है, ये आर्टरी आगे जाकर के छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम आर्टरियोल या बहुत सूक्ष्म धमनी कहते हैं। आर्टरियोल बहुत सूक्ष्म धमनी, और ये आर्टरियोल आगे जाकर के बहुत ही आंखों से न देखी जाने वाली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और यहीं पे ये टिश्यू को बेसिकली ब्लड सप्लाई करते हैं, और टिश्यू से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ये फिर आगे जा करके वेन के द्वारा, जो वेन्यूल यानी कि बहुत सूक्ष्म सिराएं होती हैं, उनके द्वारा ग्रहण करके और बड़ी वेन में इसको आगे भेज देते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस टिश्यू में प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए केवल आर्टरी में अनवरत ब्लड फ्लो ही नहीं, बल्कि आगे से जो वेन्स हैं उनमें से भी क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यदि वेन से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हो रहा है तो ये पीछे की तरफ बैक प्रेशर जनरेट करेगा, और जो यहाँ से सप्लाई आ रही है वो किसी न किसी रूप में बाधित हो जाएगी। तो वेन वाला पार्ट हम आगे लेंगे, आज हम केवल आर्टरी वाले पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि आर्टरी में रुकावट होने से या ऑब्स्ट्रक्शन होने से कैसे ये अल्सर्स बनते हैं। तो इन आर्टेरियल अल्सर्स को बेसिकली हम इस्चीमिक अल्सर भी कहते हैं। इस्चीमिया का मतलब है ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, किसी टिश्यू या ऊतक में ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, उसके कारण से बने हुए जो अल्सर होते हैं उनको इस्चीमिक अल्सर कहा जाता है। तो ये जो इस्चीमिक अल्सर होते हैं, इनकी जब हम साइट्स की बात करते हैं शरीर में, तो ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब सबसे कॉमनेस्ट जो है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि हमारे जो लेग हैं, वहां पे उसके टू यानी कि जो अंगूठा है आगे पैर का अंगूठा, वहां पे फीट, पैरों में, लेग में, और जो अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि हाथों की आगे फिंगर्स हैं, इनकी टिप्स पर अधिकतर ज्यादातर इनकी जो प्रीवेलेंस है वो देखने को मिलती है। यद्यपि शरीर के किसी भी भाग में जहां पे ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां पे गैंग्रीन होना स्वाभाविक है, और टिश्यू नेक्रोसिस होना, टिश्यू का गलन होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो अल्सर्स होते हैं ये बेसिकली ये कॉमनेस्ट साइट हैं, क्योंकि यहीं पे अधिकतर की जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज के चांसेस अधिकतर रहते हैं। जहां तक इसकी पैथोलॉजी की बात है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। ये ब्लॉकेज का कारण क्या है? देखिए, नॉर्मल कोई भी एक आर्टरी होती है उसमें दो कारणों से ब्लॉक हो सकता है। एक तो यह है कि यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाए, किसी प्रकार से ब्लड का क्लॉट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, लेकिन ये क्लॉट ज्यादातर डिसलोज हो जाते हैं। जब किसी न किसी कारणवश इसमें अंदर फैट या कुछ अन्य कारणों से जमाव होने से ये नैरो हो जाती है, तो यहाँ पे छोटा क्लॉट भी ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न कर सकता है। तो इसका एक कारण हुआ एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरो मीन्स फैट का डिपोजिशन, फैट या अन्य चीजों का डिपोजिशन, उसके कारण से स्क्लेरोसिस यानी कि कठिनता का हो जाना, कठिनता यानी कि जो इसकी वॉल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होकर के वो हार्ड हो जाती है, तो वो जगह नैरो हो जाती है। और दूसरा एक इसमें उदाहरण होता है जिसको कि हम TAO यानी कि ट्रैक, वो होती है बर्जर डिजीज, जिसको थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस कहते हैं। क्या है? बर्जर्स डिजीज या थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस, TAO, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस। अब देखिए, इसमें तीन शब्द हैं, थ्रोम्बो मीन्स ब्लड का क्लोट, थ्रोम्बस मीन्स ब्लड का क्लोट, एंजियाइटिस, एंजियाई कहते हैं यानी कि वेसल को, तो उसमें क्लोट के कारण से सूजन आ जाना, और ऑब्लिट्रेंस मीन्स उसका ऑब्लिट्रेट हो जाना, जो कैविटी है उसका ऑब्लिट्रेट हो जाना। तो क्लोट के कारण से
ये वॉल्स में सूजन आई और ये पूरी जो ये जो वेसल है ये ऑब्लिट्रेट हो गई, यानी कि श्रिंक हो गई वो जो है। तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस या बर्जर डिजीज, जो कि स्मोकर्स में बहुत देखने को मिलता है। और इसमें लोअर लिम्ब में पर्टिकुलरली जो अंगूठा या टू ग्रेड टू होता है या दूसरे टू होते हैं, उसमें बेसिकली अल्सर और गैंग्रीन देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हाथों में रेनाउट्स फिनोमिना, पैरों में बर्जर डिजीज, इसी के जैसी जो है वो यदि ब्लड की सप्लाई फिंगर्स में कम हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, रेनाउट्स फिनोमिना कहते हैं इस डिजीज को, कहते हैं रेनाउट्स फिनोमिना। एक्सट्रीम टेम्परेचर में, फ्रॉस्ट बाइट में, ये जो भात एक्सपोज होते हैं तो वो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होकर के सिकुड़ करके ये रेनाउट्स फिनोमिना होती है और यहाँ पे जो है वो गैंग्रीन पहले ब्लूइशनेस होगी, ब्लैकिशनेस और गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। इसी के साथ साथ वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस मीन्स वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होना, वेस्कुलाइटिस और सर्वाइकल रिब, सर्वाइकल रिब भी जो है वो कंप्रेशन डालती है और आगे आर्टेरियल ब्लॉकेज हो जाता है। ये पर्टिकुलरली अपर लिम्ब में होता है और जो मैंने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस और बर्जर डिजीज, ये बेसिकली लोअर लिम्ब यानी के पैरों में अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये इसकी जो है कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई। अब आइए हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो हम ये कैसे जानें कि ये पर्टिकुलर अल्सर जो है वो आर्टेरियल अल्सर है या इस्केमिक अल्सर है। देखिए, जब भी किसी जगह पे हाथों में या पैरों में ब्लड की सप्लाई बाधित होना शुरू होगी तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है क्लाउडिकेशन। क्लाउडिकेशन का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन जिसके पैरों में ब्लॉकेज है आर्टरी में, जब भी वो थोड़ा सा चलता है तो चलने के बाद उसको पिंडलियों में बहुत तेजी से पेन होने लग जाता है और वो वहां पे रुक जाता है, उससे आगे चल नहीं पाता। इस कंडीशन को क्लाउडिकेशन कहते हैं। पहले ये इंटरमिटेंट होता है यानी कि कभी कभी होता है और बाद में फिर ये लगभग लगभग रेगुलर होने लग जाता है। ये जो अल्सर होते हैं ये पेनफुल होते हैं, कंट्रेरी टू न्यूरोजेनिक अल्सर जिसकी हमने पहले बात की थी, वो पेनलेस होते हैं क्योंकि सेंसरी परसेप्शन वहां पे नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो है ये पेनफुल होते हैं। और ऑब्वियसली कोई ट्रॉमा हुआ वहां पे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। तो जैसा मैंने कहा ये पेनफुल है। और दूसरी कंडीशन इसमें होती है हाइपर एस्थीशिया, यानी कि सेंसेशन जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जैसे टच किया तो बहुत अधिक सेंसेशन वहां पे फील होगा। एनेस्थीशिया के ऑपोजिट है ये, मतलब कुछ भी फील ना होना लेकिन बहुत अधिक फील होना, ये हाइपर एस्थीशिया कहलाता है। और बिल्कुल फील नहीं होना उसको एनेस्थीशिया कहते हैं। बेसिकली टेंडर होगा, मतलब पेन और टेंडर में एक डिफरेंस होता है कि जब भी हम टच करेंगे दबाने से यहाँ पे दर्द होगा। नॉन हीलिंग, हीलिंग का इसमें बहुत अभाव होता है। और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, बेसिकली जो हीलिंग टिश्यू होता है वो इसमें बहुत ही स्केंटी या कम बनता है। स्प्रेडिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जैसे आर्टरी का पहले टिप पे हुआ फिर ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होता चला जाता है। जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती चली जाती है तो ये बढ़ता चला जाता है। और डिजिटल गैंग्रीन, जो उंगलियां हैं अंगूठे के साथ साथ वाली अंगूठा, उनमें गैंग्रीन या ड्राई गैंग्रीन होने लग जाती है। जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ज्यादातर वेट गैंग्रीन होती है लेकिन यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन होती है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, साइन ऑफ इस्चीमिया देखना है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो बाधित होती जा रही है। तो वो इस्चीमिया के जो पर्टिकुलर साइन होते हैं उसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा है कि जिस स्थान पर भी ब्लड सप्लाई कम होगी वो पेलर हो जाएगा, यानी कि जैसे ये पिंक दिखाई देगा कोई एक चीज, लेकिन जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो वही जगह पेल हो जाती है। तो पेलर होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी। जो भी एनीमिक्स होते हैं आप देख लीजिएगा कि उनकी स्किन ड्राई मिलती है, ऐसे ही यहाँ पे जिस स्थान में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी वहाँ की स्किन ड्राई हो जाएगी। और जो नेल हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, ये जो नेल होते हैं ये ब्रिटल हो जाते हैं, कोइलोनिकिया भी इनको कहते हैं। और पैची अल्सरेशंस, धीरे धीरे वो अल्सरेशन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिवाइटलाइज हो जाएगा। लॉस ऑफ हेयर, उस जगह पे हेयर नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पेरिफेरल पल्स है, यदि हम डिजिटल पल्स नीचे देखेंगे तो वो या तो वीक होगी या तो एबसेंट होगी, या तो वो बिल्कुल वीक हो जाएगी या बिल्कुल एबसेंट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये जो है साइन ऑफ इस्चीमिया हो गए। अब जो ये अल्सर होता है बेसिकली ये डीप हो जाता है क्योंकि नीचे के जो टिश्यूज हैं बेसिकली ये उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। डीप फेशिया जो है स्किन का, सबसे पहले स्किन के नीचे फैट, फैट के नीचे जो फेशिया होता है उसको सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि वहां पे पोषण ही नहीं मिल रहा है। और ये जो है टेंडरनेस मैंने बताई है इसमें, और मसल और बोन वो एक्सपोज हो जाते हैं, मसल और बोन जो है वो
एक्सपोज हो जाते हैं। यहाँ पे आप डेड टेंडन्स भी देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो है ब्लूइश ब्लैक टेंडन, ऊपर उसके ऊपर स्लफ लगा हुआ ऐसे और पस लगा हुआ ऐसे दिखाई देता है, और ये लगभग लगभग ग्रीनिश ब्लूइश पेल जैसा होता है। एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल भी इसमें से देखने को मिलती है। अब हम इसको पता कैसे लगाएं, हमारे पास ये बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी हमको ये पता लगाना होता है कि क्या इस पर्टिकुलर आर्टरी में ब्लॉकेज है कि नहीं है, तो हमारे पास एक साधारण तरीका है जिसको हम कलर डॉपलर कहते हैं, कलर डॉपलर आर्टरियल स्टडी। देखिए, जो हमारे लिम्स हैं, चाहे वो पैर हैं चाहे वो हाथ हैं, वहां पे आर्टरी भी होती है, वीनस सिस्टम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। तो अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम एक इंडिविजुअल आर्टरी में किस प्रकार का फ्लो है, बाईफेजिक है ट्राईफेजिक है, वो सारे जो है वो ब्लड का फ्लो किस प्रकार का है वो देख सकते हैं। वहां पे कोई क्लॉट मैकेनिज्म या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी देखा जा सकता है। तो इसलिए कलर डॉपलर आर्टरियल स्टडीज में अच्छी रहती है। और यदि हमें लगता है कि यहाँ पे वेन इन्वॉल्व है तो कलर डॉपलर विनस स्टडी हम करा सकते हैं। तो दोनों स्टडी होती है, कलर डॉपलर आर्टरियल स्टडी और कलर डॉपलर विनस स्टडी। साथ ही साथ एक हम इसका सीटी स्कैन एंजियोग्राफी ये भी करा सकते हैं, मतलब आर्टियोग्राफी होगी, हम डाई डाल करके और उसमें सीटी स्कैन भी इसका करा सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो साइट होगी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसका इफेक्टिवली पता लग सकता है। अब हम इसमें आगे अप्रोच कैसे करें, देखिए यदि कोई कंडीशन एक्यूट हुई है, यानी कि एकदम से क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो गई, तो ऑब्वियसली क्लॉट डिजोल्व वाली जो मेडिसिन होती है वो दी जाएंगी, जितनी भी क्लॉट डिजोल्व करने वाली मेडिसिन होती है। साथ ही साथ यदि बहुत अधिक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे जो है सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाएगा, जिसमें के बेसिकली बाईपास या ग्राफ्ट जो है सर्जरी की जाती है, उस जगह पे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करने के लिए भी चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा जैसे बर्जर डिजीज है तो उसमें जो लंबर सिंपैथेक्टमी की जाती है, क्योंकि जो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए और वो वेसल थोड़ी सी डायलेट हो जाए ताकि उसमें ब्लड का प्रवाह बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ जो आजकल कुछ रिसर्च चल रही हैं, उस रिसर्च में जो लीच थेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लीच बेसिकली होती क्या है कि वो सलाइवा जब वो ब्लड सक करती है किसी पर्सन का, तो अपना सलाइवा वहाँ पे छोड़ती है। उस सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट्स और कई सारे और ऐसे तत्व होते हैं जो कि क्लॉट को डिजोल्व करते हैं, और वो क्लॉट डिजोल्व होने से जैसे ही वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वो जगह पे अल्सर के हीलिंग होने में मदद करती है। तो इसलिए लीच थेरेपी भी एक अभी अच्छा विकल्प है यहाँ पर। तो ये आज मैंने आर्टेरियल अल्सर के बारे में आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।